मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? अभी जो आपने पीछे वाले पार्ट, कनाडा से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, रसिया से लिए गए हैं। ठीक है, लिखिए भाग 5। ये दूसरा महत्वपूर्ण भाग है जहां पर मैं पॉलिटी पढ़ाते समय सबसे ज्यादा टाइम दूंगा। ठीक है, पहले पर भाग 3 था और दूसरे पर भाग 5 है। ठीक है, तो भाग 5 में ऐसा क्या है भाई? लिखिए, संघ सरकार। ठीक है, संघ सरकार। ठीक है, संघ सरकार। प्रश्न पूछा जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक, तो 52 से लेकर के 151 तक। अब देखिए जरा ध्यान से, संघ की सरकार जब भी आती है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होती हैं, ये भी जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आएंगे पहले हमारे मिस्टर प्रेसिडेंट जी, राष्ट्रपति आ जाएंगे। ठीक, राष्ट्रपति में भी उसकी तीनों प्रकार की शक्तियाँ, उसकी जितनी भी सीमाएँ हैं सब यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर उपराष्ट्रपति जी आएंगे यहाँ पर, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जी आएंगे। फिर हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगी, मंत्रिपरिषद आएगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद के बाद कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी, जैसे यहीं पर आप पढ़ते हैं महान्यायवादी पढ़ते हैं आप, ठीक है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक आप पढ़ते हैं। ठीक है, जितने आयोग वगैरह हैं सब यहीं पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत विस्तार से पढ़ना, या ये कह लीजिए आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण पार्ट, ठीक है, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए वन डे एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए आगे लिखिए, भाग 6। राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार लिखिए, अनुच्छेद 151 से लेकर के 237 तक। ठीक है, सेम वही बात जो आपने संघ की सरकार में देखी, ठीक है, आप वही चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर उपराज्यपाल है इन केस तो आप उपराज्यपाल भी पढ़ेंगे। फिर स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, स्टेट की मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, और फिर स्टेट का क्या पढ़ेंगे आप, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा पढ़ेंगे। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद दोनों पढ़ेंगे, जिसको आप एक साथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जरा बताइएगा भाई, स्टेट में दो हाउस होते हैं, चलो संघ में दो हाउस होते हैं, बोलिए हाँ। ठीक है, दो हाउस मिलकर सदन बनाते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और मिस्टर प्रेसिडेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, संसद बनाते नहीं बनाते हैं। ठीक है, स्टेट में क्या व्यवस्था है, राज्य में क्या व्यवस्था होती है? देखिए आपने पढ़ा ना कि बहुत सारे राज्य क्या हैं, द्विसदनात्मक हैं। द्विसदनात्मक राज्यों का गठन किया गया था, कब किया गया था कौन बताएगा? जो बताएगा उसको मेरी तरफ से 1 रुपये का इनाम है। द्विसदनात्मक राज्यों का गठन कब किया गया था? ठीक है, 1919 के अधिनियम में किया गया था। आप आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे का सब गायब हो जा रहा है। बच्चे देखो, ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, ज़्यादा रिवीजन जरूरी है। ठीक है, आप पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, सालों साल समय लग जाएगा, सिलेक्शन तभी होगा जब रिवीजन करोगे प्रॉपर। 3 घंटा पढ़ रहे हो तो कम से कम 1.5 घंटा रिवीजन करिए प्रतिदिन, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। डिपेंड ये नहीं करता आप कितना पढ़ते हो, डिपेंड ये कर ये जरूरी होता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि कितना आपके मस्तिष्क में भरा है, कितना आपको याद है। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर गाइड या कुछ ले के एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो कि ढूंढ के एग्ज़ाम लगा दोगे आंसर, सब आपको अपने मस्तिष्क से करना है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और यह बहुत ही देसी ट्रेडिशनल और निम्न तरीका है, और यही सर्वोपरि तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है सिलेक्शन का। ठीक है, चलिए राज्य सरकार क्या बता रहा था मैं, हाँ तो स्टेट राज्य बता रहा था। देखिए राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है, एक होता है, अच्छा इसमें फर्स्ट हाउस कौन सा है, लोकसभा क्या है,
फर्स्ट हाउस है, राज्यसभा क्या है, हाँ सेकेंड हाउस है, वेरी गुड। हाँ नहीं 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 ये क्या है, ये उच्च सदन है और ये निम्न सदन है। तो जो निम्न सदन है वही फर्स्ट हाउस है, जो निम्न सदन है वही फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस क्यों, क्योंकि जनता की पहुंच सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, लोकसभा तक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकेंड हाउस है, ये उच्च सदन है और ये निम्न सदन है। आइए इसी प्रकार स्टेट में देखते हैं, दो हाउस होते हैं, एक होती है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए ज़रा ध्यान से, विधानसभा और विधान परिषद दो हाउस होते हैं और बीच में आपके मिस्टर जी बैठे हुए हैं, मिस्टर गवर्नर बैठे नहीं बैठे हैं, इसको एक साथ क्या बोला जाता है बताइए। जैसे आपने इसको बोल दिया, ठीक है, संसद बोला ना, इसको क्या बोलते हैं, अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये, ठीक है, इसको एक साथ बोलते हैं विधानमंडल। क्या बोलते हैं, विधानमंडल बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, विधानमंडल में दो हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, विधान मंडल बनाते हैं। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बच्चे याद आ जा रहा है तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे पॉलिटी ख़त्म कर लेते हैं, उनको यही नहीं पता होता है विधानमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़िए, भाग सात, ठीक है, भाग सात, भाग सात, ठीक है, भाग सात के आगे आप लिखिए ऐसे, ठीक है, निसरित, लिखिए भाग सात निसरित। ठीक है, भाग सात क्या है, निसरित है। हाँ, स्टार का मतलब है, देखो यहाँ पर स्टार का मतलब स्टार है, ठीक है, फोर स्टार रेटिंग है इसकी, ठीक है। तो निसरित, स्टार का मतलब है निसरित, निसरित से क्या मतलब है, डिलीटेड, क्या हुआ, डिलीटेड। आप डिलीट समझ रहे हो ना, आप निसरित नहीं समझ रहे थे आप, लेकिन डिलीट समझ रहे हो, समझ गए ना, डिलीट बताने की जरूरत नहीं मुझे, तो डिलीट की हिंदी भी जान लो आज के बाद से, ठीक है। जैसे एक शब्द है, ये देखो, ये देखिए, प्रत्याभूतित, प्रत्याभूतित इसका मतलब क्या होता है बताएगा कोई, आप लोग पर डे यूज करते हो इस शब्द का, डिलीट भी यूज करते थे, नहीं पता था डिलीट की हिंदी क्या, हाँ प्रत्याभूतित का मतलब नहीं बताते अभी, ठीक है, डिलीट का यूज करते थे, इसकी हिंदी क्या होती है, निसरित, ठीक है। आप संविधान दो बार अच्छे से पढ़ लो, आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, उत्कृष्ट हिंदी हो जाएगी, ठीक है। प्रत्याभूतित का मतलब होता है गारंटी, गारंटी की इंग्लिश का शब्द है, जिसकी हिंदी क्या होती है, प्रत्याभूतित करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो भाग सात में ऐसा क्या है जिसे डिलीट कर दिया गया, ठीक है, भाग सात में ऐसा क्या है जिसे डिलीट कर दिया गया, और बच्चे डिलीट किया गया तो क्यों डिलीट किया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, ये महत्वपूर्ण कौतूहल आपके दिमाग में क्या हो रहे हैं, झंझावत उत्पन्न कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। देखो एक कहानी समझिए आप लोग, छोटी सी कहानी है, ठीक है, ना इसमें राजा है ना रानी है। भाग सात, भाग सात को समझने से पहले आप ये समझेंगे कि 1950 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय में वर्तमान तात्कालिक स्थिति क्या थी। उस समय हमारे देश में चार कैटेगरी थी,
ठीक है, चार श्रेणियां बनाई गई थी, ए बी सी और डी। ठीक है, आप अभी जब मैं इसको ओपन करूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा भाग एक का एक एक आर्टिकल बताऊंगा, तो वो आप वहां पर देखेंगे ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य। शुरुआत में अब ये चीजें समाप्त कर दी गई हैं। ठीक है, देखिए तो यहां पर क्या होता है, यहां पर राज्य हैं, क्या हैं, राज्य हैं। बी में क्या है, बड़ी रियासतें, बड़ी रियासतें। सी में क्या है, छोटी रियासतें। डी में क्या है, अर्जित भूभाग, क्या था, ठीक है, क्या था, अर्जित भूभाग था। ये कब की कहानी है, 1950 की। अब बताओ यहां पर कोई राजा है, कोई रानी भी नहीं है। ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझिए। तो 1950 में आपके पास चार राज्यों की श्रेणी मिलती है, श्रेणी ए के राज्य, श्रेणी बी के राज्य, श्रेणी सी और डी के राज्य। श्रेणी ए में स्वतंत्र राज्य थे, बी में बड़ी रियासतें, सी में छोटी रियासतें और डी अर्जित भूभाग, एक्वायर्ड एरिया घोषित किया गया था। ठीक है, ये चार श्रेणी आपको 1950 में मिलती हैं। लेकिन ठीक 1950 के बाद आता है 1956। देखिए 1956 में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और जो चार श्रेणियां थी राज्यों की उसे समाप्त कर दिया गया। अब जितने भी राज्य बनेंगे वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनेंगे। और इसकी स्थापना कब की गई, 1956 में की गई। और सर्वप्रथम यहाँ पर 14 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश बनाए गए, संघ शासित प्रदेश बनाए गए। प्रश्न पूछा जाएगा सीधे सीधे कि जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम को इम्प्लीमेंट किया गया था तो उससे सर्वप्रथम कितने राज्य बनाए गए थे, ठीक है, 8 नहीं 14 राज्य बनाए गए थे। ठीक है, कितने संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे, 8। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, ये प्रारंभ की बात है, इस समय संख्या ये बढ़ चुकी है। ठीक है, अभी आपके पास कितने, 28 और 8। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे लिखिए भाग आठ। ठीक है, क्वेश्चन कैसे घुमाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का संबंध संविधान के किस भाग से है, ठीक है, क्वेश्चन को घुमा सकता है इस तरीके से। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है, चार भाग उठा के दे देगा। एग्जैक्ट आपको नहीं पता होगा तो आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग आठ में क्या है, संघ शासित प्रदेश 239 से 242। ठीक है, 200। ठीक है, लिखिए कौन कौन से हैं, नंबर वन चंडीगढ़, दिल्ली। ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, एक ही साथ दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, पुदुचेरी,
लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार और आठवां लक्षद्वीप। आठ ही हुए है ना? आठवां लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये आपके संघ शासित प्रदेश है, ठीक है। प्रश्न पूछेगा कि संघ शासित प्रदेश जो आपके बताए गए हैं, इसमें से कितने संघ शासित प्रदेशों में सीएम अपॉइंट होता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो जितने भी आपने लिखा है उसमें देखिए, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दिल्ली, पांडिचेरी या पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर, तीन ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर क्या होते हैं, आदरणीय चीफ मिनिस्टर, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी सब में क्या है, प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक। आगे बढ़िए, भाग नौ मिटा दिया जाए इसको। लिखिए भाग नौ, ठीक है। तो यहाँ पर भाई देखिए, एक नया टर्म आ गया आपके सामने, ठीक है, जिससे आप बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हैं, ठीक है, जिससे आप परिचित नहीं हैं। तो पहले उससे परिचित होया जाए, उससे इंट्रोडक्शन किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात की गई स्थानीय शासन की या स्थानीय स्व शासन की बात होती है, ठीक है। तो स्थानीय शासन, स्थानीय स्व शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब क्या होता है इसको आप समझिए। देखिए आपके देश में टू टायर गवर्नमेंट थी, यानी दो स्तरीय सरकार थी, ठीक है। पहला स्तर था संघ का और दूसरा स्तर था राज्य का। संघ में सरकार होती थी, ठीक है भाई, आपके पास यही तो है, संघ में सरकार होती थी और राज्यों में सरकार होती थी, यही तो आप समझे हैं शुरुआत में, ठीक है। एक संघ की सरकार होती थी और एक राज्यों की सरकार है। ये अलग बात है कि भारत में संघीय व्यवस्था लागू है, जहां पर अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र के पास हैं, जहां पर सरकार का स्वरूप कैसा है, एकात्मक है, न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, एकात्मक है, यानी ज्यादा ताकतवर कौन है, केंद्र है, ठीक है। लेकिन शासन दोनों स्तर पर मिलता है, राज्यों को भी स्वायत्तता दी गई है कि वो भी अपना सरकार बनाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए, बजटिंग करें, ठीक है, लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आए। राज्यों को भी ये अधिकार दिए गए हैं और केंद्र की सरकार को भी ये अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। दो हमारे सांसद थे, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, फ्रांस की बड़ी यात्रा करते थे, ठीक है, ये लोग फ्रांस घूमने बहुत जाते थे, ठीक है। तो उन्होंने फ्रांस में एक नया सिस्टम देखा कि फ्रांस में क्या है, एक तीसरे स्तर की सरकार है जिसको फ्रांस में कम्यून बोला जाता है, ठीक है, कैंट या कम्यून, ठीक है। कम्यून जहाँ पर सिविल लोग रह रहे हैं और कैंट क्या होता है, जहाँ पर आर्मी के लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक तीसरी स्तर की सरकार थी, तो ये लोग वहाँ पर देख करके आए और फिर वो इंडिया में आके बात करते हैं कि भारत में भी त्रिस्तरीय सरकार होनी चाहिए, यानी तीसरे लेवल की सरकार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा कंट्री है और लोगों की सरकार तक पहुंच नहीं हो पा रही, या सरकार की लोगों तक पहुंच नहीं हो पा रही। जबकि क्या होगा भाई, लोक कल्याणकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन तब प्रभावशाली होगा जब सरकार लोगों के दरवाजे तक जाएगी,
ठीक है, आप सोचिए, अगर जिले में डीएम ना होता, अगर जिले में डीएम ना होता और जिले में भी आपको डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी ना दी गई होती, ठीक है, तो जितनी भी योजनाएं हैं वो कहाँ से आती? लखनऊ से आती। लेकिन योजनाएं सीधे सेंक्शन होती हैं दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से सीधे आपके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जितनी भी विकास विकास की योजनाएं हैं। और इसकी देखरेख करने के लिए आपको एक अलग से ऑफिसर दिया गया है जिसका नाम क्या है, CDO, जो कैडर में क्या होता है, एक IAS अधिकारी होता है, ठीक है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, जो कैडर से क्या है, एक IAS अधिकारी है, जो आपके जो आप जो जो पद और जो कैडर आपके DM साहब का है वही पद और कैडर आपके CDO साहब का है। लेकिन CDO साहब अभी जल्दी परीक्षा पास करके आए हैं, एक्सपीरियंस कम है, इसलिए इनको CDO बना दिया गया, डायरेक्ट DM नहीं बनाया गया। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इन्हीं को प्रमोट करके क्या बना दिएगा, DM साहब बना दिएगा, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं कहाँ से आ रही हैं, केंद्र से आ रही हैं, केंद्र से सीधे योजनाओं का योजनाओं की लैंडिंग कहाँ की जा रही है, जिले में की जा रही है। तो अगर ये तीसरे स्तर की सरकार ना होती तो ये संभव हो पाता नहीं, हो पाता, ठीक है, विकास की जो गति है वो बहुत स्लो होती, ठीक है। आपने सुना होगा कि पहले योजनाएं आती थी, पूरी पूरी योजनाओं का पैसा गायब हो जाता था, अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब सरकार और प्रभावशाली हो गई है, जनता जागरूक हो गई है और मैकेनिज्म विकसित कर दिया गया है। तो हमारे इंडिया में क्या हुआ, हमारे इंडिया में त्रिस्तरीय सरकार का गठन किया गया जिसे बोला क्या जाता है, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी ये जिले की सरकार होती है और जिले के ही लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं, ठीक है, जिले का ही व्यक्ति यहाँ पर एक जिला पंचायत का सदस्य होगा और जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा, ठीक है, किसी बाहरी जिले का व्यक्ति वहाँ आकर के जिला पंचायत का सदस्य और अध्यक्ष नहीं बन सकता है, और पूरे जिले के लोग वोटिंग करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये दो तरीके की होती है, शहरी होती है और ग्रामीण होती है, हम ग्रामीण पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अभी आगे आपको शहरी बताई जाएगी, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है, अभी आपको शहरी बताई जाएगी, ये आप ग्रामीण पढ़ रहे हैं। तो जो तीसरी सरकार है उसको हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, ठीक है, या पंचायती राज, पंचायती राज बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, जरा आप लोग बताइए, जिसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, इस बार आपका आंसर सही है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, और पहली नागौर राजस्थान में इसे इंप्लीमेंट किया गया था, पंचायती राज को, ठीक है, यानी पहली जो पंचायत है वो क्या है, नागौर राजस्थान, ग्रामीण की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, पहली जो पंचायत घोषित हुई थी वो क्या हुई थी, नागौर राजस्थान में हुई थी, और किसके कर कमलों द्वारा हुई थी, ठीक है, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई थी, ठीक है, इस समय हमारे जो मिस्टर PM थे वो कौन थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो यहाँ से पंचायती राज का प्रारंभ होता है, 1959 में ही नागौर को पहला पंचायत घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं लाया गया, कानून बहुत लेट लाया गया है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, 73rd और 74th अमेंडमेंट, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, ठीक है, घोषित कब किया गया है, 1959 में, लेकिन इसके लिए कानून कब लाया गया, 1993 में लाया गया, ठीक है। चलिए फिलहाल अब आप लोगों को पता होगा स्थानीय स्वशासन किसको कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन आपके किस भाग में दिया गया है, भाग 9 में दिया गया, नोट करिए, जो कहाँ से कहाँ था, 243 से लेकर के, देखिए 243 से लेकर के 243 ओ तक है, ध्यान से देखिएगा, एक ही आर्टिकल है लेकिन उस आर्टिकल के, अब इसको समझिए जरा ध्यान से, 243 में ही है आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, 243 में ही आपका दिया गया है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, लेकिन 243 ओ तक कैसे, अब देखिए 243 ए होगा, फिर 243 बी होगा, ऐसे ही लेकर के ओ तक, बात समझ में आ गई। तो इतने सारे आर्टिकल दिए गए हैं लेकिन है किसमें,
एक ही आर्टिकल में है ये, ठीक है। तो नोट करिए, दो सौ तैंतालीस ए से लेकर 243 ओ तक दिया गया है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन आप कहते हैं। नोट करिए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73 लाया गया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, और कब, 1993 में। अब देखो बच्चे, बहुत सारी किताबों में आपको 1992 देखने को मिलेगा, बहुत सारी किताबों में 1993 देखने को मिलेगा, तो एक चीज़ जान लीजिए। देखिए 1992 में ये संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था हमारे आदरणीय सदन में, ठीक है, जिसे आप संसद बोलते हैं। 1992 में प्रस्ताव लाया गया था और इसे लागू कराते कराते या इस प्रस्ताव को पारित कराते कराते 1993 हो गया था। तो ये लागू कब हुआ था, 1993 में। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, पहली या दूसरी क्लास में नहीं थी आप, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम। आप लोग कोशिश करें कि उसको पूरा लिखें, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी इंद्रियों को जितना ज़्यादा संलिप्त करेंगे अध्ययन में, उतना ही आपका अध्ययन सार्थक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ, मुझसे पूछिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।